याद रखिए, जब तक आप जिद्दत को नहीं मानेंगे आप जदीद नहीं हो सकते। बात करेंगे दावत इस्लामी और टेक्नोलॉजी की। याद रखिए, दावत इस्लामी जो है एक अपडेटेड तहरीक है। अगर आपने आलिम बनना है अब आप घर बैठे आलिम बन सकते। हेलो, मैं हूं अली आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आज बात करेंगे दावत इस्लामी और टेक्नोलॉजी की। याद रखिए, हमारे कोई भी वीडियो जो है वो बिना किसी बिजनेस लेसन के खाली नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई, भले छोटा हो लेकिन कोई ना कोई बिजनेस लेसन जरूर दो। इस वीडियो के अंदर भी बहुत जबरदस्त बिजनेस लेसन आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले बात करेंगे दावत इस्लामी और टेक्नोलॉजी की, और यही हमारा बिजनेस लेसन से रिलेटेड भी और थोड़ा सा लिंक भी करता है। याद रखिए, दावत इस्लामी जो है एक अपडेटेड तहरीक है। ये अपडेटेड इस्लामिक तहरीक है जो टेक्नोलॉजी को जो है वो साथ कर चलती है, इससे पीछे नहीं हटती, और यही वजह है कि ये इतनी उरूज पर और इतनी बुलंदी तक पहुंची, क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी को माना। याद रखिए, जब तक आप जिद्दत को नहीं मानेंगे आप जदीद नहीं हो सकते, और दावत इस्लामी जो है वो जिद्दत को बहुत अच्छी तरीके से मानती भी और समझती भी, और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करती है। आप इनके सोशल अकाउंट आगे देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप फेसबुक पेजेस देख लें, आप ट्विटर देख लें, आपको ये हर जगह एक्टिव नजर आएंगे। इसके अलावा मदनी चैनल देख लें, जितने भी बड़े ओहदे पर फाइज लोग हैं उनका सेपरेट आपको जो है वो यूट्यूब चैनल मिलेगा। मध्य चैनल का एक सेपरेट आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, उर्दू में भी मिलेंगे, और बंगाली जबान में भी मिलेंगे। याद रखिए, जब आप टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं तो आप फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और यही वजह है कि दावत इस्लामी भी जो है वो बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपने आलिम बनना है अब आप घर बैठे आलिम बन सकते हैं, अगर आपने हाफिज बनना है आप घर बैठे हाफिज बन सकते हैं, अगर आपने कारी बनना है आप घर बैठे कारी बन सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी। इसके अलावा अगर आपने नमाज का कोर्स करना है आप घर बैठे वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दावत इस्लामी जो है ये सारी फैसिलिटी जो है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। आपने इस्तखारा करवाना है आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, आपने नजर उतरवानी है आप ऑनलाइन उतरवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो दावत इस्लामी ने चेंज करी। आपने कोई भी बुक पढ़नी है, आपका बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा, आप वेबसाइट पे जाके फौरन डाउनलोड करके वो बुक पढ़ सकते हैं। आपने कोई वीडियो देखनी है, आपने कुछ सुनना है, आपने कोई अच्छी बात सुननी है, आप देख के चैनल पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। सारी वीडियो मौजूद है, सारी बुक्स जो है वो फ्री में मौजूद है। वो किताबें जो हजारों रुपए की है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाली, और आप भी जाकर वो कर सकते हैं। याद रखिए, इन्होंने अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करी, जो इनसे लिंक है, जो इनसे जुड़े हुए बनते हैं उनसे इन्होंने आसानी पैदा करी, और यही हमारा आज का टॉपिक है। याद रखिए, आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी कोई भी तहरीक, आपने देखना है कि आप सोशली तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव है। चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपका बजट नहीं है, लेकिन सोशली तो सारे प्लेटफॉर्म फ्री है, कि आप इंस्टाग्राम पे मौजूद है, कि आप ट्विटर पे मौजूद है, कि आप फेसबुक पे मौजूद है, कि आपका पेज मौजूद है, कि आपका यूट्यूब चैनल मौजूद है, कि आपका बिजनेस सोशली लोगों को साथ लेकर चल रहा है। और दूसरी चीज, जैसे दावत इस्लामी ने अपने बंदों के लिए आसानी कर दी है कि भाई जाओ अगर आपने बुक पढ़नी है तो फ्री में डाउनलोड कर लो, कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए, चाहे आप कोई दीनी तहरीक चला रहे हैं, चाहे आप कोई दुनियावी तहरीक चला रहे हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए कोई आसानी पैदा करी कि अगर आपने मेरा कस्टमर है तो कोई आसानी चाहिए तो जाओ मेरी वेबसाइट के ऊपर, आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको ये चीज फ्री में मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ फाइल के अंदर थोड़े से जो है वो कॉन्टेंट मिल जाएगा, आपको ब्लू प्रिंट मिल जाएगा। जब कोई ना कोई आसानी आप अपने कस्टमर्स के लिए पैदा कर देंगे तो वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और कस्टमर ही जो है वो आपके लिए मजीद कस्टमर जो है वो लेकर आएगा। तो आपने सोशली तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपने अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, अगर आपने अपने बिजनेस को वाकई में ग्रो करवाना और वाकई में बढ़ाना है तो आपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप आज दावत इस्लामी को देख लें, वो एक दीनी तहरीक है, लेकिन आप फिर भी देख लें वो कितनी आगे, कितनी उरूज और कितनी बुलंदियों तक पहुंची, और आने वाले जमाने में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि दावत इस्लामी कहां से कहां पहुंची होगी। तो जनाब, अगर आपने अपने बिजनेस को भी इसी तरीके से आगे लेके जाना है, अपनी कोई तहरीक, चाहे आप दुनिया की कोई तहरीक चला रहे हैं, चाहे आप दीन की कोई तहरीक चला रहे हैं, आपने सोशली आना पड़ेगा, आपने डिजिटली आना पड़ेगा, आपने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को मानकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला, अगर आपने अभी तक आपका कोई बिजनेस है, छोटा है कि बड़ा है, ई कॉमर्स का है, आप फेसबुक पे कुछ बेचते हैं, अगर आप सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव नहीं है, देखें फॉलोवर्स को छोड़ दें, आप आए तो सही, कॉन्टेंट डालना तो शुरू करें, फॉलोवर्स जो है वो खुद आपके पास आ जाएंगे। तो याद रखें, आपने इस चीज को मानकर सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा, उसी के बाद जाकर जो है वो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।